पर्वत का मैं राड़ी में लगी, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं राड़ी में लगी, तेरी मेरी पार। फाइनली पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह पे। देखो भाई, हर हर महादेव भाई, क्या इको साउंड आया यार। हर हर महादेव, बचा लेना भगवान जी। डर लग रहा है ना बहुत ऊंचाई से, चाहे हमारी जूते फटे चाहे हमारे कुछ भी फटे, लेकिन हम मानने वाले नहीं है, मानने वालों में से भी नहीं है, है कि नहीं। जय श्री राम दोस्तों, सभी लोगों को स्वागत है एक और ललन टॉप व्लॉग में। और देख सकते हो अर्ली मॉर्निंग की जगह पूरी उजाला हो चुका है और 5 बज रहे हैं भाई। हम जल्दी उठने की कोशिश किया लेकिन ठंड में ना, और थोड़ी देर बहुत देर हो चुकी है। अर्ली इवनिंग हो गया भाई। बेताल को लेके निकल चुका हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर देखो ऐसे ऑफिस बहुत बंद पड़ी हुई है पीछे वगैरह, जहाँ पर आप लोग टेंट लगा सकते हो, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड को पूछ के लगाना, क्योंकि उनकी अंडर में आता है ना तो ज़्यादा सेफ्टी हो जाता है उनसे पूछने से, वरना वो क्या है कि आपको फाइन भी लगा सकते हैं आपके ऊपर। और यहाँ पर शायद बैग रखने का जुगाड़ हो चुका है, जहाँ पर अपना भाई रुका हुआ है प्रवीण, और अभी भी सूरज निकला नहीं है। देखो वहाँ पर निकल गया, शायद उजाला हो रहा है ज़्यादा, तो वाह, जाने तक सनराइज तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बस उम्मीद है कि अच्छा खासा व्यू मिल जाए हमें। तो भाई अपने तुंगनाथ का और चंद्रशिला का यहाँ से स्वागत द्वार आ चुका है, और बहुत खुशी हो रही है और दुख भी है अंदर से कि हम सनराइज थोड़ी लेट करके देख पा रहे हैं। हर हर महादेव। मेरी जिंदगी का ये पहला ट्रैक है जो मैं बिना बोझ का जा रहा हूँ, सच में भाई। पिछले साल ना दो एक बड़ी बैग, एक आके बैग लेके चढ़ गया था मैं कैंपिंग करने के लिए, लेकिन वहाँ पर कैंपिंग ही नहीं मिला। और थोड़े से आगे आने पर ना आप लोगों को यहाँ पर घोड़ा पड़ाव मिलता है, अगर यहाँ पर खर्चा लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हड़ताल चल रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने इनका सब कुछ टेंट वगैरह तोड़ दिया, तो इसके कारण हड़ताल चल रही है थोड़ी दिनों के लिए। ये सबसे सही भी लगता है, इनको परमानेंट अपना काम ही बंद कर देना चाहिए, बस सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वरना लोग ना खच्चर लेने के बहाने उसके ऊपर बैठ बैठ के एक खच्चर की जान भी ले लेते हैं। पर्वत का मैं राड़ी में लगी, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं राड़ी में लगी। मैं अभी यहाँ से हम शॉर्टकट ले लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट है, लेकिन ये देखो यहाँ पर प्लास्टिक, यहाँ पर प्लास्टिक, यहाँ पर, और जगह देखो कितनी खूबसूरत है भाई, मिनी स्विट्जरलैंड से कम है क्या ये, फिर भी लोग इसको ना गंदगी से भरा पड़ा हुआ है भाई। आगे जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। देखो किसी ने जूस पिया है, उसको जेब में रखने में क्या हर्ज थी, उसको क्या तकलीफ है तुम लोगों को अपना कचरा खुद उठाने में, बेंच स्टॉक को सुधर जाओ। तुम जैसे को वजह से ना ये झरना भी सूख गया है, पता नहीं आगे और क्या क्या सूखेगा। तुमको बोलने से क्या फायदा, फायदा तो नेचर का भी नहीं हो रहा है। तेरा साथ ही चाहिए, बोले मन की सहत कोई मतलब नहीं, मेरी खातर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं, तेरी खातर के कर जाऊं, बोले मन में कुछ नहीं बेरा है, दुनिया का मन बेरा नहीं पर तू तो भोले भैया। मैं इस हाई अल्टीट्यूड और बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ों पे और कितने बॉटल उठाएंगे। ये देखो यहाँ पर अभी भाई ने इकट्ठा कर लिया 2, और यहाँ पर जहाँ तक आंखें जाएंगे ना हर जगह पे बॉटल दिखेगी। तुम छो भाई कचरा उठा के कैसा लग रही है? एक कचरा उठाते हैं सामने दूसरी दिख जाती है, कितना उठाए यार। वो देखो तो दूसरी नहीं, बहुत सारी है। वो देखो पूरा ये जो बुग्याल है ना, ये पूरा जो गार्डन दिख रहा है कचरे से भरा हुआ है, एक तरीके से कचरे का खदान बोल सकते हैं। ये एक ऐसा खतरनाक वाला ट्रैक है भाई, जो कि आपको
बहुत ज्यादा गर्मी होगी। मैंने तो अपना जैकेट निकाल लिया क्योंकि बहुत ज्यादा भीग गया था, मैं पसीने में अंदर नहा रहा था। और ये भाई थोड़ा निकाला फिर से डाल लिया, ठंडी हो रही है, भाई अंदर पसीने हैं और ठंडी हवा चल रही है तो कुछ ज्यादा ही ठंड लग रहा है। अच्छा हमको शिकारिया, चलो और बहुत ऊंचा है भाई, अब तो बस शुरुआत है और ये भी शुरुआत है। चलो अभी अभी फेंका है भाई, लगभग अभी हमें चलते हुए लगभग 2 से 3 किलोमीटर तो हो ही चुके होंगे। और यहाँ से देखो हमें लग रहा है अभी अभी चल के ऊपर आए हैं, बहुत ही हाइट जगह है भाई यहाँ पर। हो हम कचरा उठाते थक गए, वो भी समझा के थक चुके हैं यहाँ के। और हमें लगा कि हमें देखकर जो पर्यटक घूम रहे ना वो भी कुछ साथ देंगे, लेकिन नहीं, हम दो ही उठा रहे हैं, कोई पर्यटक साथ नहीं दे रहे हैं। तो समझ जाना थोड़ा बहुत, तो आप ये अंधविश्वास इनके ऊपर अंधविश्वास करने से पहले कुछ इससे कचरा उठाने में समय गुजारिश कीजिए, इसमें सब कुछ ये समय व्यर्थ है। इससे तो हम लगोरी खेलते हैं भाई, एक दूसरे को बॉल मारकर हम ये खेल खेलते थे। ये घर बनाने में टाइम वेस्ट मत कीजिए और भगवान के घर को स्वच्छ रखने की कोशिश कीजिए। नीचे चोपता से ना पूरे जो तुंगनाथ के मंदिर है 12,073 फीट और 6,380 मीटर हाइट पे बसा हुआ एक लौता तुंगनाथेश्वर के मंदिर है। और वहां से फिर से 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी हमें, लेकिन ये आप लोगों की एक ऐसा ट्रैकिंग है कि आप लोगों को प्लेन जगह मिलेंगी नहीं, प्लेन रास्ता मिलेगा ही नहीं आप लोगों को, सिर्फ इतना खतरनाक वाला चढ़ाई मिलेगा। और खतरनाक वाला चढ़ाई पे चलते आ जाओ। यहाँ से तुंगनाथेश्वर के दर्शन हो रहे हैं, वो देखिए वो तुंगनाथेश्वर का मंदिर है वहां पर, और वो जो टॉप पे दिख रहा है ना वो वाला है चंद्रशिला, और हमें उसी टॉप पे जाना है भाई। ये जो रास्ता है ना, हमने जो 12,073 फीट का रास्ता है, बस ये घंटे 10 मिनट पे हमने तुंगनाथ महाराज जी का दर्शन कर लिए यहाँ से दूर से ही। और यहाँ से हम जो व्यू देख पा रहे हैं ना भाई, उस व्यू का मजा आप नहीं ले पाओगे जो मोबाइल में देख रहे हो, बस इस नेचर का हम महसूस कर सकते जो आप नहीं कर सकते, बहुत ही प्यारा है। बस हमें चंद्रशिला के दर्शन मिल जाए और तुंगनाथ महाराज जी का दर्शन मिल जाए, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे हम। फाइनली पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह पर, देखो भाई हर हर महादेव भाई, क्या इको साउंड आया यार, ओ माय गॉड, ओम नमः शिवाय, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। खतरनाक इको आ रहा है भाई, लेकिन इसमें नॉइस कैंसिलेशन की वजह से नहीं आ रहा है भाई। इस टॉप लोकेशन पे आके आप हर हर महादेव जोर से पुकारना ना भूलिए भाई, इको साउंड इतना खतरनाक से वापस से सुनाई देता है ना, बार बार पुकारने की मन कर रहा है, मेरी आवाज भी थोड़ी सी बैठने की महसूस हो रही है, लेकिन भाई मेरा मन मान ही नहीं रहा। ये बार बार बोल रहा है मत छोड़ दे आवाज बैठ जाएगी, लेकिन मैं मान नहीं रहा हूँ क्योंकि इतनी खुशी हो रही है यहाँ से। अजी अभी हम गए नहीं है, वहां पर है चंद्रशिला और यहाँ पर है अपना तुंगनाथेश्वर की मंदिर, लेकिन हम यहीं पर अपना मजा ले रहे हैं। अभी ऊपर जाते हैं और कितना मजा लेंगे पता नहीं इस प्रकृति का। भाई हमने सोचा था सनराइज होने से पहले चंद्रशिला पहुंच जाएंगे, लेकिन सूरज देवता के दर्शन आधे रास्ते में ही हो गए। चलो कोई नहीं, सूरज देवता ने दर्शन तो किए और अभी हम वहां पर जाके चंद्रशिला के भी दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि वहां के नेचर को देखना है हमें सबसे पहले, उसके बाद यहाँ से थोड़े से हमारे तुंगनाथेश्वर के दर्शन भी हो रहे हैं। हर हर महादेव कमेंट में। चलो मत गड़ा है प्यार तेरे ते बार बार दोहरा, मेरा है तू भोले। और मैं तो प्रेफर करूंगा आप लोगों को सुबह सुबह ट्रैकिंग किया चाहिए कीजिए जितना हो सके उतना जल्दी, क्योंकि भाई सुबह सुबह ट्रैकिंग करने का मजा ही अलग है, क्योंकि कोई नॉइस नहीं, कोई कड़कड़ नहीं, कोई झंझट नहीं, और ना ही खच्चर से डरना कि धक्का लग जाए, वैसा कोई डर नहीं भाई, आराम से आप अकेले चल पड़ो और ऐसा नेचर का फायदा लेते बहुत मजा आता है भाई। सुबह सुबह ही चलना बहुत ही बेस्ट रहेगा ट्रैकिंग के लिए, कहीं पे भी ट्रैकिंग करो आप सुबह जल्दी से ट्रैकिंग करना। हमने तो कोशिश की थी 4 बजे की, लेकिन हम कर पाए 5:30 बजे की, 6 बजे लगभग 6 बजे, लेकिन फिर भी हम बहुत जल्दी पहुंच गए क्योंकि कोई हमें नॉइस कोई रोक टोक नहीं था, कुछ नहीं था, बस हमें थोड़ा सा टाइम लगा कचरा साफ करने में।
चलो कचरा से पानी दे दो। रोई घड़ी थी मैं तने किस तरिया बताऊं, बहुत घड़ा है प्यार तेरे ते बार बार दोहरा। मेरा है तू भोले मैं जहर भी पी लूंगी, तेरी खातर भोले मैं सब हंस हंस सह लूंगी। मेरी जिंदगी है तेरी गेल में भोले मन में कुछ नहीं होएगा, जाओ तने घर छोड़ के भोले देख ले फिर तू रोएगा। हट छोड़ दे मैं भोले अपना ले कदे तने न सताऊंगी, इसे ते कोई मतलब। बहुत ही कठिनाई के साथ कठिन रास्ता अपनाते हुए पहुंच चुके हैं गंगा धाम, चंद्रशिला भी कह सकते हो। चंद्रशिला वहां पर है जहां पर आप लोगों को पंच केदार के पंचमुख भी वहां पर देखने के लिए मिलेगा उसी एक ही शिला में। तो चलिए सबसे पहले गंगा धाम के दर्शन करते हैं, लेकिन यहां पर आप लोग ट्रैकिंग करते हुए धीरे 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 चलते आना क्योंकि सांस बहुत फूलती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत पूरी खड़ी चढ़ रही है तो धीरे धीरे चलते रहिए, सांस फूलने में थोड़ा सा तकलीफ नहीं होगी आपको। चलो दर्शन कर लेते हैं। हर हर महादेव। तू भोला पर्वत का मैं रानी मेला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। अब जिस जगह पे है ना भाई, वहां से आप लोगों को ड्रोन शॉट की भी जरूरत नहीं है क्योंकि भाई यहाँ से इतनी खूबसूरत सी 360 व्यू दिखता है ना, आप लोग कहेंगे भाई स्वर्ग में तो नहीं चले गए। एक बार देखो लेकिन क्या दिक्कत आ गई कि बहुत ही ज्यादा धुंधलापन है, इतना धुंधलापन है कि भाई कोई पहाड़ नहीं दिख रहा है। देख सकते हो वहां तक ग्लेशियर्स दिखते थे वो देखो, हम अभी ऐसा लगता है कि हम केदारनाथ से भी यहाँ से यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ से और बद्रीनाथ के सारे धामों के दर्शन हो जाते हैं यहाँ से, लेकिन क्या करें पूरा धुंधलापन है यहाँ पर, है ना, कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए वरना आप लोग बोलते भाई कहीं स्वर्ग में तो नहीं चले गए, तो मरमर तो नहीं गए, लेकिन नहीं भाई हम जिंदा रहते हुए स्वर्ग को देख पा रहे हैं, लेकिन तुम लोग नहीं, और तुम स्वर्ग पे आके भी ऐसा काम कर रहे हो, बहुत ही घिनौना। और यहाँ पर है चंद्रशिला का शिला जो वहाँ पर आप लोगों को केदारनाथ के पंचमुख के दर्शन करवाने वाला हूँ। भाई ये सुन नहीं रहा, रिक्स लेते जा रहा हुआ जाते हुए, अपना बंदा बहुत स्ट्रांग है, आराम से, बाद में मिलेगा नहीं तो तेरी हड्डी पसली भी। मेरे फोन में एड्रेस है मेरे घर का है ना नंबर। चलो भाई को देख के अपनों को भी रहा नहीं जा रहा है, निकलते धीरे धीरे कछुए की चाल। क्या दिख रहा है? एडवेंचर तो दिख रहा है, लेकिन मुझे ज्यादा से ज्यादा बोटल दिख रही है जो डीकम्पोज नहीं हो पाते। यहाँ पर स्लिप होने की बहुत ज्यादा संभावना है, ये देख सकते हो, लेकिन पार हो गया तुम्हारा भाई। और कहाँ नीचे जा रहा है भाई? अरे सुन ले जाकर थोड़ी बहुत। ओ भाई साहब रे, ये देखो कितना बड़ा खाई है, इसी को बोलते हैं एडवेंचर का फील लिया करो, खतरनाक। और इसको बोलते हैं लापरवाही, जैसे अभी ये उठा रहा है वो लापरवाही के। कहाँ आ गया? कितना डर लग रहा है? शिव कैलाश के वासी, हर हर महादेव, बचा लेना भगवान जी। हाँ खतरनाक सा दिख रहा है ना, डर लग रहा है ना बहुत ऊंचाई से भाई, बहुत खतरनाक है ये वाला रास्ता। पहुंच गए, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, देख रहे हो किस तरीके का, किस लेवल का दिमाग खराब है हमारा। हम यहाँ तक आ गए भाई, थोड़ा ये देखो डर लग रहा है क्योंकि बहुत ही ज्यादा खाई है नीचे आता। ये पत्थर हिलाना भाई हमारा खत्म, काम तमाम। यो भाई हम पागल नहीं है, दिमाग खराब है हमारा, समझ रहे हो। रोई घड़ी थी मैं
तने किस तरिया बताऊं, बहुत गड़ा है प्यार तेरे। भाई लगभग धुंधलापन हटने वाला है और यहाँ से जहाँ पर हम बैठे हुए ना पागलपंती करते हुए, यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है भाई। और अभी फिलहाल यहाँ पर ना बहुत ऊंची जगह पे है ना हम, तो अभी सुबह सुबह भी हमें धूप, जो धूप की गर्मी मिल रही है ना, बहुत ही खतरनाक सा ऐसा फील हो रहा है हम जल सकते हैं आग से, सूरज के इस खतरनाक वाली हीट से। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप भी थोड़ा सा देख के आइएगा, अगर गोरे हो तो काले पड़ जाओगे और काले हो तो गोरे हो जाओगे, ये हो सकता है आपके साथ। और फिलहाल धीरे धीरे धुंधलापन हट रहा है और वो देखो थोड़ा सा ग्लेशियर्स भी दिख रहे हैं। चलो कोई नहीं, बाबा चंद्रशिला का दर्शन करते चलो। हट छोड़ दे मैं भूले अपना, लेख दे तने न सताऊंगी, इसे तो कोई मतलब नहीं, सब छोड़ के ले तेरी आऊंगी, परिवार ते बन जागा भूले, साथ निभा दे तू तेरा जो भी भा जागा, मन ने मत हाथ छुड़ावे तू भोला पर्वत का। भाई मैं अभी बैठा हुआ हूँ चंद्रशिला के पास, जहाँ पर पंचमुख के दर्शन भी होते हैं, और जो केदारनाथ की डोली निकलती है ना उस पर, उसके ऊपर भी पंचमुख रहता है, लेकिन जो एक मुख रहता है वो सीधे केदारनाथ पहुँचने के बाद ही जब आरती होती है उसके बाद ही उस मुख के दर्शन होते हैं, लेकिन उससे पहले आप उस पंचमुख का यहाँ पर भी दर्शन पा सकते हो। और बहुत लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जो गंगा धाम है ना उसको तक्षशिला भी बोला जाता है, और बहुत लोग वहीं से उसका दर्शन करके, ये चंद्रशिला बहुत नीचे और थोड़ा दूर हो जाएगा समझ के, वहीं से लौट जाते हैं। तो भाई यहाँ तक आ चुके हो तो थोड़ी सी और ट्रैकिंग कर लेना और बाबा चंद्रशिला की भी दर्शन कर लेना। और ये रहा पंचमुख, जो कि यहाँ पर चारों तरफ चार मुख हैं, और ये ऊपर वाला ही, जो ऊपर वाला का मुख है ना, इसके ऊपर मुकुट लगा हुआ रहता है जब केदारनाथ की डोली निकलती है, तो यहाँ पर आप साक्षात दर्शन पा सकते हो पंच केदार के पंचमुख का, बहुत ही शानदार सा भाई। दर्शन तो हो गए लेकिन यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर बार बार ऐसा मन हो रहा है कि हाइकिंग करें बार बार। और अपना भाई देखो एडवेंचर कितना आगे जाके रुका हुआ है, ये भाई इतना भी लापरवाही मत दिखाओ कि घर वाले ढूंढने लग जाए है कि नहीं। देखो यार क्या मजा जा रहा है, ये है बुगियान जहाँ पर बहुत बढ़िया कैंपिंग भी हो सकती है, बस मौका मिल जाए एक बार भाई, आज भी कैंपिंग कर लेंगे ना। अगर आपको हो गया हो तो मैं भी शूट कर लूं। क्या शूट करोगे? तुम्हें शूट कर दूंगा, चाहे हमारा जूते फटे या चाहे हम खुद फटे या कुछ भी फटे, लेकिन हम मानने वालों में से नहीं है, हम ट्रैकिंग करने वाले हैं, ट्रैकर करने वाले हैं भाई। देख रहे हो इतना बड़ा रिस्क लेने पर भी हमें कैसा नजारा मिल रहा है, स्वर्ग से भी ऊपर भाई, बहुत खूबसूरत है। इस नज़ारे के लिए भाई एक लाइक जरूर बनता है, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन आप लोग कभी ये ट्राई मत करना, आप लोगों के पास घर परिवार होगा, हमारे पास कुछ नहीं है, मत हम मान के ऐसा चलते हैं है कि नहीं। चलो आई लव यू, एक बार बोलता हूँ हर हर महादेव। अभी गूंज नहीं आ रही, इको नहीं आ रहा है, वहाँ से इको एक नंबर आ रहा था है कि नहीं। बहुत गड़ा है प्यार तेरे ते बार बार दोहरा, मेरा है तू भोले मैं जहर भी पी लूंगी, तेरी खातर भोले मैं सब हंस हंस सह लूंगी। मेरी जिंदगी है तेरी गेल में भोले, मन में कुछ नहीं होएगा, जाऊं छोड़ के भूले देख ले फिर तू रोएगा, हट छोड़ दे मैं भूले अपना, लेख दे तने न सताऊंगी, इसे तो कोई मतलब नहीं, सब छोड़ के ले तेरी आऊंगी, परिवार ते बन जागा। चलो यहाँ पर भी कचरा से छुटकारा नहीं है हमें, और हम आए थे यहाँ पर लगभग 8 बजे पहुँच चुके थे चंद्रशिला, और अभी यहाँ से लगभग 10:15 बज चुके हैं, और हमें जोशीमठ भी पहुँचनी है, नीचे तुगनाथ बाबा की भी दर्शन करनी है, और लेकिन ये नज़ारे देखो यार बहुत खूबसूरत लगा,
और ये नॉनसेंस वाले खामे जब पहले ही बता चुके हैं हम लोग कितना बड़े बड़े देखो एक बॉल होते ना लगोरी खेल लेते मजा आता। चलो कोई नहीं चलो दर्शन कर लेके निकलते लेकिन 360 भी पैसा लग रहा है और अभी भी धुंधला पर हटे ही नहीं आ रहा यार व्यू वो इसी में खराब हो जा रहा है हमारा। तू भोला पर्वत का मेराड़ी मेला की तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मेराड़ी मेला की तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तेरा साथ ही चाहिए भोले मन की सहत कोई मतलब नहीं मेरी खातर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं तेरी खातर के कर जा। तो मैं दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर स्थित शिव मंदिर पहुंच चुके हैं तुंगनाथेश्वर जहां पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है क्योंकि भाई जो पंच केदार है ना पंच केदार में हर जगह पे हर एक अंग का पूजा की जाती है जैसे कि केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ की पीठ की पूजा कर जाती है क्योंकि भीम जब पांडव उनको ढूंढने के लिए जाए थे ना तो भीम बहुत ही विशाल रूप में खड़े हुए थे और भगवान जी वहाँ पर नंदी के रूप में थे तो उनको मिलना नहीं चाहते थे भगवान जी। तो उनको क्या लगा कि वहाँ से जब भीम बहुत बड़े हो गए थे ना तो भगवान जी उनके नीचे से नहीं जाना चाहते थे और सारे के सारे गाय भैंस जो थी उनके पैरों के नीचे से चली गई थी भीम के पैरों से लेकिन बाद में भगवान जी उनके पैरों के नीचे कैसे जा सकते थे तो वहां से भगवान जी नीचे जाने लगे थे धरती के अंदर तो वहां पर भीम जी उनका पूंछ पकड़कर ऊपर खींच रहे थे तो उस कारण से वहां पर केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ की पीठ वहां पर ऊपर रहेगी और हर एक पंच केदार में एक एक अंग निकलने लगा जैसे कि मध्वेश्वर में भगवान जी का नाभि का पूजा होता है वैसे ही तुंगनाथ में जो तीसरे नंबर पे आते हैं वहां पर भगवान शिव जी का भुजाओं की पूजा होती है और अगले केदारों के बारे में और आगे जानकारी मिलेगी। मेरी जिंदगी है तेरी गेड़ में भोले मन ने कुछ नहीं होएगा जाऊं तने घर छोड़ के भोले देख ले फिर तू रोएगा हट छोड़ दे मैं भोले अपना ले कदे तने न सताऊंगी इसे ते कोई मतलब नहीं सब छोड़ के ले तेरी भगवान तुंगनाथेश्वर की तो दर्शन हो गए। अगर आप लोग यहाँ पर दर्शन करना चाहते हो तो फिलहाल अभी थोड़ी लाइन लगी है लेकिन यहाँ पर ना यहाँ पर जल भी चढ़ाया जाता है और जल चढ़ाने के लिए स्पेशली आप लोगों को लोटा भी मिलता है जहाँ पर आप लोग नीचे से जल लेकर प्रसाद लेके सीधे लाइन से आते हुए आप यहाँ पर जल भी चढ़ा सकते हैं। चलो भाई मस्त से दर्शन हो गए और अभी हम लगभग यहाँ से 12 बजे के आसपास समझ सकते हो यहाँ से निकल रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ सीधे बद्रीनाथ के लिए और भाई सोच रहा है रुद्रनाथ की ट्रैक करने के लिए सोचता हूँ मैं भी आप लोगों को रुद्रनाथ की और एक पंच केदार में से और एक केदार के दर्शन करा पाता हूँ कि नहीं वो तो आप लोगों को आगे चलते हुए ब्लॉग्स में पता चल ही जाएगा लेकिन आज पूरी जय भोले जी हर हर महादेव। तो लेकिन आज पूरी कोशिश बनी रहेगी मेरी कि मैं बद्रीनाथ पहुँच पाऊँ जोशीमठ और वहाँ से हम बद्रीनाथ के दर्शन भी करने जाएंगे। तो चलो यहाँ से सबसे पहले उतरते हैं अभी लगभग मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उतरते टाइम पे लेकिन संभाल के उतरना पड़ेगा। वैसे तो फाइनली रात के 9 बजे पहुंच चुका हूं और अभी खाना वगैरह खाते हैं और आप लोगों को ये वाली वीडियो भी देनी भी है बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में ही और आप लोगों को बहुत जल्दी बद्रीनाथ के और हेमकुंड के बहुत ही जल्दी आप लोगों को वीडियोस मिलने वाले हैं तो उसके लिए ज़रूर बने रहिए ना। और ये वाला अपना तुंगनाथ का ट्रैक कैसा लगा कमेंट में हर हर महादेव लिख के बताना क्योंकि उससे ही बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट फील होता हूँ मैं और ये लल्लन टॉप व्लॉग कैसा लगा वो भी बताना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और मजेदार खतरनाक वाले व्लॉग्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय। हट छोड़ दे मैं भूले अपना लेख दे तने
मतलब नहीं, सब छोड़ के ले तेरी आऊंगी।